भिवंडी शहर के कुछ लोगों ने इंसानियत जिंदा है इसकी एक बेहतर मिसाल दी है। करीब 12 दिनों से एक व्यक्ति भिवंडी के फुटपाथ पर पड़ा हुआ था, जिसके पैर में जख्म भी था और इस व्यक्ति का नाम भारत भूषण खन्ना बताया जा रहा है। इस व्यक्ति की जानकारी भिवंडी के रहने वाले नाजिम अंसारी को हुई तो उन्होंने अपनी टीम के साथ इस व्यक्ति की मदद के लिए आगे आए और घर से लापता हुए एक शख्स की आखिरकार ढूंढ कर उसे पता लगाया और इस व्यक्ति को उसके परिवार से मिलवा दिया। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति ठाणे का रहने वाला था, एक अच्छे घर से ताल्लुक रखता है, मगर कुछ दिन पहले ही ये व्यक्ति लापता हो गया था और भिवंडी की सड़कों पर अब इस हालात में मिला है। वही नाजिम अंसारी और उनकी टीम ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए जिस तरह से इस व्यक्ति की मदद के लिए आगे ही नहीं आए बल्कि इस व्यक्ति के परिवार से भी मिलवा दिया। इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी फिरोज मेमन ने नाजिम अंसारी से क्या बातचीत की है, सुनिए। नाजिम अंसारी भाई बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या मामला है, ये जो शख्स है ये कौन है, कहाँ से आया है और इसके पीछे की क्या स्टोरी, थोड़ा सा बताइए। फिरोज भाई, मैं बताना चाहूँगा कि ये 12 दिनों से दंग हालात में यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमारे सैयद साहब हैं, सैयद राजू, इनको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा एक आदमी नंगा पड़ा हुआ है, तो इन्होंने मुझको कांटेक्ट किया। निसार भाई, हम लोग, साजिद भाई एक लड़का और अरबाज एक श्रीधर लड़का है, वो आकर यहाँ पर, और एक शकील मलंग शेख, इनके मार्फत से हम लोग यहाँ पर जब आए, जब देखे तो ये एकदम नंगी हालत में थे। ये बच्चे लोग सब मिलकर उनको कपड़ा वगैरह पहनाए, खाना वाना खिलाए, वो बहुत भूखे थे। खाना खिलाने के बाद 3 दिन से उनकी निगरानी की जा रही थी, हम लोग डेली आते थे, खाना पीना देते थे। 2 दिन पहले तक वो अपना मोबाइल नंबर भी 5 ही लोगों का बताते थे, 5 नंबर खाली बताते थे, 5 से 6 अंक, स्टार्टिंग के 5 डिजिट। उसके बाद आज उनकी दिमागी तवाजुन, जब किसी इंसान का, फिरोज भाई, जब पेट भर जाता है ना तो उसकी अकल भी काम करने जाती है, जब वो काम करता रहता है तो दिमाग काम नहीं करता। जब इनका दिमाग काम करा तो आज उन्होंने अपना पूरा नंबर बताया। अच्छा। और जब पूरा नंबर बताया तो मैंने उनको जब ट्रू कॉलर में डाला तो इनका नाम उसमें भारत भूषण खन्ना इलेक्ट्रीशियन करके आया। अच्छा। तो मैंने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। हाँ। एक मैडम थी, मैडम को पूरा मामला बताया। मामला बताने के बाद 2 पुलिस वाले, तांबे साहब एक और हैं, वो दोनों यहाँ पर आए। आने के बाद हम लोग शांतिनगर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, एड्रेस निकाल के दिया था। 2 एड्रेस हमको उन्होंने दिया, एक एड्रेस दिया हमको थाना गांव देवी भाजी मार्केट थाना वेस्ट जी, और दूसरा नंबर इनका मुंबई का दिया जो इनके आधार कार्ड पर है, वो B11 तुलसी भवन फर्स्ट फ्लोर प्लॉट नंबर 1 नियर रामदेव होटल साइन वेस्ट मुंबई। तो अब जब तो मतलब फिर आपको पता चला कि ये थाने के है, ये अब हम लोग ये लोकेशन डाल के गूगल मैप के जरिए सैयद साहब की रिक्शा लेकर हम लोग आपको देखूंगा कि ये जो सारी जो क्या बोलते हैं प्रक्रिया हो रही थी सारी, जो आप लोग इसके ऊपर कोशिश कर रहे थे तो तब ये व्यक्ति कह रहे, तभी भी ये ऐसे रोड पे पड़े हुए थे, रोड पे पड़े थे, इनको खाना वगैरह था, क्योंकि इनके जो हम लोगों ने 3 दिन पहले उनको बुलाया एनजीओ को जो अपना शेल्टर होम चलाते हैं रात्रि निवारा केंद्र वालों को, तो वो अपने इधर ले जाने के लिए तैयार हुए, मगर जो इनके पैर की हालत है ना, इनके पैर में से कीड़े टपक रहे हैं। अच्छा। इनका पैर पूरा सड़ चुका है। ओहो। वहाँ पर शेल्टर होम में ले जाने के लिए उनको चलने वाला आदमी चाहिए कि वो संडास पेशाब कर सके, संडास पेशाब कर सके तो ही वो लोग रखते हैं, कोई केयर टेकर से ही उनको। अब हम लोगों ने उनको, हाँ, अब हम लोगों ने यहाँ पर तैयारी की, तैयारी करने के बाद शकील मलंग शेख हैं उनके मार्फत यहाँ पे जो लोग एम्बुलेंस वाले हैं और भी लोग हैं जो जिनके दिल में दर्द है, उन्होंने कुछ पैसा निकाला, पैसा निकाल के इनके यहाँ पे इकट्ठा किए कि अब कोई आदमी को ऐसा पटाया जाए कि वो 1,500 रुपया देकर रोज कर ले तो उनको हम हॉस्पिटल कलवा हॉस्पिटल में भेज दें। तो कलवा हॉस्पिटल में एक सामाजिक कार्यकर्ता है और नगर सेवक है इब्राहिम भाई। अच्छा। उनको हमने कांटेक्ट किया, इब्राहिम भाई बोले भाई एडमिट तो मैं करवा दूंगा मगर वहाँ पर एक व्यक्ति की रहना पड़ेगा। और एक बात उन्होंने और बताया कि पुलिस की कंप्लेंट के बगैर उनको नहीं लाना। तो इनके पास जब गए एड्रेस लेकर गूगल मैप डालकर वो मार्केट में पहुंचे तो वहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो माला वगैरह बेचा करता था,
हम लोग 5 बजे पहुंचे तो बोले 8 बजे एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इनके साथ में रहता था। अच्छा, तो साथ में रहने की गौदेवी से है क्या? तो साथ में रहने की वजह से उन लोगों ने दूसरे लोग तो जो आए 8 बजे, हम लोग वहाँ थोड़ा घूमे टहले, फिर 8 बजे उनसे मिले तो वो मार्केट में ले गए, मार्केट में ले गए जहाँ पर इनके दुकान है, जो इनकी फैमिली है। बताते हैं कि इनकी एक लड़की डॉक्टर है, अच्छा, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनकी मेन मार्केट में भाड़े से है दुकान है, मगर पौश इलाके में दुकान है। अच्छा अच्छा, तो अब उनके रिश्तेदार रिलेटिव सागर भाई करके वो आए हैं, उनके और भी आए हैं, पुलिस वाले मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा आगे होना, तो ये कब से ये मिसिंग थे और कैसे हुए थे? 22-23 दिन हो गया सर गायब, हम लोग भी काफी ढूंढ रहे थे, इसी दिन गायब हुए गाँवदेवी से। तो दूसरे दिन हमारे दोस्त ने इनको कल्याण में देखा। अच्छा, वो तो गाड़ी चला था, टूरिस्ट गाड़ी। हाँ, तो बोला कुछ काम से आए रहेंगे, अभी दिवाली की तैयारी चालू, कुछ माल वगैरह लेने, इनका इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, कुछ माल के चक्कर में। तो मतलब जब गायब हुए तब चलते फिरते थे? हाँ, चल फिर रहे थे। अच्छा, एक दिन पहले रात को मुझे मिले भी, मैं पूछा भी तुम्हारी तबियत थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बोलते ठीक है तो खाना खा के आ रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी जा रहा हूँ सोने को। अब दूसरे दिन पता चला हमको क्या मिसिंग है, अच्छा, दिन भर दिख नहीं रहे, हम लोग काम में रहेंगे। इनको कंप्लीट कर देते फिर आपके भाई, मैं आपको बताता चलूं कि देखिए इनकी मिसिंग रिपोर्ट उन लोगों ने दिया है, हरावले आए इनका 6/10/2021। अच्छा, और इनकी पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है, मतलब तकरीबन 24-25 दिन हो गए ना, और 9/10/2021 22:13 पर इन लोगों ने FIR, जो वहाँ पुलिस वालों से हमने बात किया, और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आकर खड़े हैं, तांबे साहब हैं और उनके एक और साथी हैं, तो उन्होंने बोला पुलिस से पुलिस बात करवाइए, उनके ताबे में हम लोग इनको अभी देने आ रहे हैं। अच्छा, आपके निगरानी में, आपके कैमरे की नज़र से हम लोग अब इनको देने जा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उन साथियों का जो बड़ी मेहनत की। मैं तय दिल से और हाथ जोड़ के इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने उसमें ध्यान रखा, नहीं तो आज वो आदमी इन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया है बस। और ये इसलिए रहता है कि अब ये आपके मतलब इनका कर्ज आप किसी की और की मदद करके जो है, किसी और की हेल्प करके जो उतार देना।